हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सोल सेशन नंबर से इकोनॉमिक बॉडी एंड सोल। अब इकोनॉमिक बॉडी और सोल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव के पास अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मैड से इकोनॉमिक बॉडी एंड सोल। सेशन नंबर से हम इकोनॉमिक बॉडी एंड सोल क्या होता है, सबसे पहले हम आशा करते हैं आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्र के पाँचवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं माता जय माता दी माता को स्मरण करते बारंबार उनके चरण में कोटि कोटि स्मरण और नमन करता हूं। और आपको आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ नवरात्र के पांचवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी फिफ्थ डे ऑफ नवरात्र टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली। ओके मैं, अब हम अपने टॉपिक से इकोनॉमिक बॉडी एंड सोल क्या है। इकोनॉमिक बॉडी एंड सोल जैसे कहते हैं, शरीर और आत्मा के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। आत्मा परमात्मा का अंश होता है, आत्मा शरीर में निवास है तो हम सभी में परमात्मा भी निवास है। तो आत्मा के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना आत्मा नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के ठीक वैसे ही अंग है जैसे कि एक सिक्के के पहलू, एक सिक्के के जैसे दोनों पहलू होते हैं, बिना हेड के टेल नहीं, बिना टेल के हेड नहीं। उसी तरह से आत्मा के बिना शरीर नहीं, शरीर नहीं, और एक जीव का निर्माण होता है। अब हम अगर यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करें कि समाज सोसाइटी में हमारे जैसे जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, तो इन जीवों का इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर मार्केट में ये जीव हैं तो मार्केट में जीव है तो प्रोडक्शन करेंगे, अगर प्रोडक्शन करेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्योंकि ये मनुष्य जानवर कहीं ना कहीं ये नेचुरल रिसोर्स है जिस पे इकोनॉमी टिकी हुई है। तो अगर ये नेचुरल रिसोर्स है जिसमें जीव आत्मा परमात्मा जीव बॉडी मिलके एक जीवात्मा बनता है, अगर ये जीवात्मा है तो ये इकोनॉमी है धरती पे। अगर ये धरती पे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी जीवात्मा परमात्मा, अगर जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा की धरती पे है तो ये नेचुरल रिसोर्स है। और अगर ये नेचुरल रिसोर्स है तो यानी ये जीवात्मा कुछ न कुछ काम करेगा, यानी कुछ न कुछ मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन देगा। अगर प्रोडक्शन देगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर इनकम जनरेट होगा, फिर इनकम जनरेट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव, जो कि एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो इनकम प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव, ओके मैं से, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एक बेस का काम करें, किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके मैं से। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी एंड सोल का इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कह सकते देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल ऑफ बॉडी एंड सोल, ओके मैं से। तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक बॉडी एंड सोल, ओके मैं से। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विश्वास है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक से माई वीडियो टू योर फ्रेंड रेडी करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाए और मेरा मन वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगे, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट्स। ओके बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक क्लासेस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से, या फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार पुनः आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार से नवरात्र के पांचवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेल फॉर वेरी हैप्पी फिफ्थ डे ऑफ नवरात्रि टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय, ओके मैं शेयर।
तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता, जय माता, हर हर महादेव।